नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये T20 सीरीज ऐसे ही चली जाएगी जिस तरह से वनडे सीरीज खत्म हुई है, तो ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि T20 सीरीज को लेकर वेस्ट इंडीज की टीम मजबूत नजर आ रही है। वेस्ट इंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट हैं जिन्होंने इस मैदान पर 4 छक्के लगाकर अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाई थी। इसके अलावा किरण पोलार्ड जो करीब करीब हर T20 लीग में खेलते नजर आते हैं, इस टीम का हिस्सा भी हैं। वहीं एक और बल्लेबाज डेविन ब्रेवो को भी जगह मिल चुकी है, जो भारतीय मैदान पर नए नहीं है, IPL खेलते हैं और लगातार उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है। अब सवाल यह है कि टीम इंडिया किस खिलाड़ियों के साथ उतर रही है, कौन कौन से प्लेयर्स टीम इंडिया का हिस्सा होंगे और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है। यह तो आपने जान लिया कि वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। रदरफोर्ड और विकेटकीपर दिनेश रामदीन भी अब वेस्ट इंडीज की टीम में आ चुके हैं और T20 टीम अब बहुत ज्यादा मजबूत उनकी नजर आ रही है। अब भारतीय टीम क्या है, विराट कोहली नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है, अब ये 2 खिलाड़ी तो है नहीं, ऐसे में टीम इंडिया क्या होगी, कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं जो पहले T20 में या कहीं की कोलकाता के मैदान पर वेस्ट इंडीज को मात दे दें। वनडे सीरीज में भी वेस्ट इंडीज की टीम ने बहुत परेशान जरूर किया, भले ही वो सीरीज हार गई, लेकिन परेशानी में टीम इंडिया को उठाना है। अब क्या वेस्ट इंडीज की टीम यहां भी परेशान करेगी, या ये जो 11 खिलाड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वेस्ट इंडीज पर फतेह हासिल कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बात की जाती है कप्तान की। कप्तान है रोहित शर्मा, जिम्मेदारी पूरी है, इससे पिछली सीरीज में भी कप्तान रहे थे और जिस तरह की कप्तानी उन्होंने अपने दम पे की थी वाकई काबिले तारीफ थी। एशिया कप उन्होंने टीम इंडिया को जिता दिया, बहुत ही शानदार दिखाई दिया था। अब रोहित शर्मा के कंधों पर वेस्ट इंडीज क्लब T20 की जिम्मेदारी है, कप्तान है। ओपनर उनके साथ होंगे शिखर धवन, अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि पिछले सीरीज में वो दमखम नहीं दिखा लेकिन एशिया कप में अच्छा खेल उन्होंने दिखाया था। उसके बाद वन डाउन इस बार खेलेंगे KL राहुल। फिर अगर बात की जाए अगले बल्लेबाज की तो दिनेश कार्तिक का नंबर आता है। दिनेश कार्तिक लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, तेज स्कोर भी बना देते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी करते हैं। मनीष पांडे को भी जगह मिल रही है। वहीं विकेट कीपर ऋषभ पंत रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी की जगह। अब जो आगे के बल्लेबाज बता रहा हूँ जरा उन पर नजर डाल लीजिए, एक तो है कृणाल पांड्या और दूसरे हैं खलील अहमद। इन दोनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। कृणाल जो है वो बल्लेबाजी भी कर बैठते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं, दूसरी तरफ खलील जो है वो सिर्फ गेंदबाजी करते हैं। वनडे सीरीज में अच्छा खेल दिखाया है लेकिन इन दोनों प्लेयर्स में से किसको मौका मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर कृणाल पांड्या हिस्सा रहेंगे टीम इंडिया का, खलील अहमद को बैठना पड़ेगा। उसके बाद पेसर्स की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे, जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे, ये दोनों पेसर टीम इंडिया में बहुत ज़रूरी है। और 2 स्पिनर कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल तो ICC की टॉप 10 गेंदबाजों की सूची में भी आ चुके हैं, ऐसे में यहाँ पर भी अच्छा खेल ज़रूर दिखाएंगे। अब टीम इंडिया की नज़र रहेगी किरण पोलार्ड जैसे बल्लेबाज पर, टीम इंडिया की नज़र रहेगी डेविन ब्रेवो जैसे बल्लेबाज पर कि इनको किस तरह से निपटाया जाए, किस तरह से आउट किया जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम T20 में मजबूत नजर आ रही है। तो देखना होगा भारतीय टीम किस रणनीति के साथ यहाँ पर उतरती है, कैसा खेल दिखाती है। पल पल की अपडेट हेडलाइंस स्पोर्ट्स आपको देता रहेगा। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और आपका अपना ही चैनल है हेडलाइंस स्पोर्ट्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।